तो अब की बार किसकी सरकार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की एक खास पेशकश, जिसमें अलग अलग राज्यों की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं हर दिन शाम और शुक्रवार को। हर राज्य की जनता का मिजाज क्या है, मूड क्या है, अलग अलग मुद्दों पर और मुद्दों के आधार पर किस पॉलिटिकल पार्टी की किस तरीके की तस्वीर नजर आ सकती है 2019 में, यह समझाने की कोशिश होती है। और इस बार बात हरियाणा की। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आइए जरा आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में जनता ने किसे कितना वोट शेयर देने की बात कही है और उसके साथ साथ सीट क्या निकलती आ रही है। दिल्ली की बात करें तो 29% जनता बीजेपी को वोट दे सकती है, 15% कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी 41 माफ कीजिएगा बीजेपी के लिए 39 है, कांग्रेस 15%, आम आदमी पार्टी 31%, अन्य के खाते में 5% वोट शेयर जाता दिखाई दे रहा है। अगर इसे आप सीट में तब्दील करें तो भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर अपनी बढ़त बना सकती है, कांग्रेस का शायद खाता न खुले, अदर्स का खाता ना खुले, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर अपनी बढ़त बना सकती है। आइए बात करते हैं हरियाणा की। और अगर इसी तरीके की तस्वीर हम हरियाणा की भी समझने की कोशिश करें कि हरियाणा में किस तरीके का वोट शेयर नजर आता है राजनीतिक दलों के हिसाब से, तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती है 2019 में, जहां पर 30% वोट बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आता है, जबकि कांग्रेस 29% वोट शेयर के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कहें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। INLD 15% वोट शेयर के साथ, जबकि JJP हरियाणा की राजनीति में एक नई पॉलिटिकल पार्टी जिसने अपनी पहुंच बनाई है, 12% वोट शेयर उसके खाते में जाता है और जबकि अन्य के खाते में 9%। और अगर इस वोट शेयर को सीटों में तब्दील किया जाए तो देखिए जरा किस तरीके की तस्वीर हरियाणा की हो सकती है। हरियाणा में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त खोती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर अपनी बढ़त यहां बना सकती है, कांग्रेस 3 सीटें यहां पर हासिल कर सकती है, INLD के खाते में 1 सीट जा सकती है और JJP के खाते में 1 सीट जा सकती है। आइए चर्चा एक बार फिर शुरू करते हैं। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जी कांग्रेस से, राहुल देव जी, निर्जा चौधरी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और शहनवाज हुसैन साहब बीजेपी से मौजूद हैं और हमारे संवाददाता मधुरेंद्र उसके साथ साथ विनीता भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल प्रियंका चतुर्वेदी जी, यहां मैं आपसे जानना चाहता हूं, 4 से 4.5% वोट शेयर आपका 2014 के मुकाबले हरियाणा में बढ़ रहा है, उसके आधार पर आपकी सीटें भी बढ़ रही हैं, लेकिन क्या स्थिति और ज्यादा बेहतर नहीं हो सकती थी? देखिए, सर्वे का सम्मान करते हुए सर्वे से स्पष्ट हो रहा है कि लोगों का मिजाज भारतीय जनता पार्टी से हटकर फिर से कांग्रेस की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये साबित काफी राज्यों के जो सर्वेज आ रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है। पर जब तक चुनाव आएंगे हमें पूरी उम्मीद है कि ना कि हम सिर्फ वोट शेयर पे आगे बढ़ेंगे पर हम सीट्स में भी नंबर 1 पोजीशन पे आएंगे, जहां तक हरियाणा की बात है। और हरियाणा की जो रियलिटी है वहां पे जो किसान जनता है वो इन लोगों से त्रस्त है, उन्होंने देखा है, आपने देखा किस तरीके से ध्रुवीकरण करने का काम हुआ है, जात और धर्म की राजनीति हरियाणा में कितनी पनपी है, आपने देखा किस तरीके से महिलाओं का अपमान होता है और महिलाओं का रोज हम कांड सुनते हैं कि उनके साथ किस तरीके की अपमानजनक स्थिति बनती है और ना ही उनको किसी तरीके के न्याय मिलता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं नहीं मानती हूं हरियाणा की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताएगी। लेकिन शहनवाज हुसैन साहब, जो सवाल यहां पर कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका जी खड़ा कर रही है, उस सवाल में कुछ दम नजर आता है। ओपिनियन पोल के हिसाब से 2014 के मुकाबले आपका वोट शेयर लगभग 5% कम हो रहा है और 2014 के मुकाबले 2 लोकसभा सीट भी आप गवा सकते हैं 2019 में। शहनवाज हुसैन साहब, देखिए अभी आपने दिखाया कि कांग्रेस दिल्ली में जीरो हो रही है जी, और दिल्ली के बगल में उसका वो परसेंटेज कैसे बढ़ सकता है? ये ठीक है कांग्रेस सरकार में रही है जी, अगर आप देखें तो हमारा वोट परसेंटेज आपके सर्वे के अनुसार हम उनसे आगे है और हम ये भी मानते हैं कि हमारा जो वोट परसेंटेज आपने दिखाया उससे काफ़ी आगे हम जाएंगे। कांग्रेस पार्टी आपस में जो हाल शिमला में है ना, जो आपने देखा होगा जी, कांग्रेसी एक दूसरे को कैसे कुर्सी से पीट रहे थे, वही हाल हरियाणा के अंदर भी है। कांग्रेस के अंदर कई गुट हैं, आपस में लड़ रहे हैं जी। और जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। एक आंकड़ा और दे दूं आपको कि अभी जो चुनाव हुए थे मेयर के, वो सारे चुनाव हमने जीते हैं। वहां के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जी सारी मेयर की सीट हमने जीत कर दिखाई है। अच्छा, इससे पहले कि मैं नीरजा जी और हमारे संपादकों तक पहुंचूं, एक छोटा जवाब प्रियंका जी दीजिए आप, उसके बाद मैं नीरजा जी के पास चल रहा हूं। प्रियंका जी छोटा जवाब सिर्फ 30 सेकंड में प्लीज।
हाँ, छोटा ही जवाब, अगर अभी कोई भी जिंद का बाय इलेक्शन देख रहा होगा तो उसी में समझ में आ जाएगा कैसे हम सारी कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेता इस चुनाव को जीतने में कायम हैं और प्रतिबद्ध हैं। तो ये जो लड़ाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ना ही कोई सत्य है ना ही कोई तथ्य है। बिल्कुल। रही बात कि अगर वो दिल्ली के बगल में है तो वोट शेयर कैसे बदल सकता है, भाई साहब वोट शेयर वहां पे भी बदलेगा, दिल्ली में भी हम आंकड़ा बदल कर दिखाएंगे। और ये इस तरीके के अहंकार से बात करना कि हमने बहुत काम किया है वो वहां, और मेयर की सारी सीटें जीती हैं, मेयर की सीट आपने अर्बन एरियाज में जीती है, आने इलेक्शन आते आते आप लोग शायद वो भी जगह हार देंगे। चलिए नीरजा जी, नीरजा जी आपकी क्या राय है, हरियाणा में क्या होता दिख रहा है आपको? इससे थोड़ी होगा, आपके शराब से थोड़ी हारेंगे जब हम जीते हैं। देखिए हरियाणा में जैसे स्थितियां बनी हैं पिछले 3-4 सालों में दिख रहा है ना। जी जी प्लीज जी कहिए नीरजा जी। हरियाणा में काफी नाराजगी रही है सरकार की तरफ, सरकार के प्रति। और हरियाणा में अगर कांग्रेस 29% ही ले रही है तो फिर कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। हम सब सोच रहे हैं कि हरियाणा तो कांग्रेस इस बार लेके ही जाएगी। जिस तरह से मैं हरियाणा में रहती हूँ तो मुझे मालूम है जिस तरह से आसपास लोग बातचीत कर रहे हैं, और प्रियंका जी का कहना बिल्कुल सही है, चाहे किसान है चाहे महिलाओं का मुद्दा है, तो एक ही कारण हो सकता है कि कांग्रेस नेतृत्व ने कमान उन लोगों के हाथ में स्पष्ट तौर से नहीं दी है जो जिनकी मास फॉलोइंग है हरियाणा में, ताकि क्लियर सिग्नल जा सके। और मैं अग्री करती हूँ शाहनवाज जी से कि कांग्रेस के अंदर काफी रस्साकशी चल रही है, अभी भी चल रही है, तो इस चीज को उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा एक फर्टाइल एक भूमि है इस समय। नीरजा जी माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूँ, हमारे साथ हमारी सहयोगी विनीता यादव भी हैं जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर तमाम चीजों को समझा है करीब से। विनीता, जिस तरीके का बदलाव यहाँ पर नंबर्स में दिख सकता है 2019 में, क्या कुछ वजह है उसके पीछे की आपको समझ में आती है? बिल्कुल अनुराग, जैसे कि जब मैं हरियाणा में गई जाने से पहले, जैसे अभी नीरजा जी ने कहा कि नुकसान होना चाहिए सरकार को, ऐसा मैं भी सोच रही थी, लेकिन जब वहां पर जाकर के लोगों से बातचीत की तो पता चला कि उतना नुकसान नहीं होगा, और जो कि हमारे ओपिनियन पोल में दिखाई भी दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि JJP दुष्यंत चौटाला और इनेलो में जो ये दो फाड़ हुई है, इसका फायदा कहीं ना कहीं BJP को जा रहा है, क्योंकि किसानों में अगर आप जाकर के देखते हैं, बात करते हैं, तो जाट और नॉन जाट की जो राजनीति थी उसको कहीं ना कहीं जो दो हिस्से होने थे उसमें भी जाट में दो हिस्से और हो गए हैं, उसका फायदा कहीं ना कहीं जाकर के इनको सीधे मिल रहा है, और किसान नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब बाकी देश के किसानों को देखें तो हरियाणा के किसान में भी अगर आप जाके बात करते हैं तो उसकी नाराजगी भी कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रही है, और वही नुकसान कहीं यहाँ पर जो कम सीटें दिखाई दे रही हैं वहाँ उसकी वजह से दिखाई देता है। राहुल देव जी, हरियाणा में तो आप भी रहते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हरियाणा में वाकई में स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस अगर बागडोर सही लोगों के और सही हाथों में दे दे तो सब चीज़ें स्पष्ट हो जाए? देखिए कांग्रेस में, हरियाणा में कांग्रेस नेतृत्व के सामने एक बड़ी दुविधा है, बड़ी पुरानी दुविधा है जी। वहाँ पर जिस तरह के खेमे बन गए हैं उनमें, वो इनके चाहने से नहीं बने हैं, और उन पर बहुत ज़्यादा बस नहीं है कांग्रेस नेतृत्व का। जैसे भूपेंद्र सिंह हुडा, वहाँ पर उनका अपना जो नेटवर्क है, उनकी अपनी जो गहरी पकड़ है, वो इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ताकतवर है कि तमाम कोशिशों के बावजूद उनको हिलाना, उनको ना तो उनको नाराज़ कर सकती है कांग्रेस, ना उनको पूरी तरह सब कुछ उनके हाथ में दे सकती है, तो बहुत समस्याएं हैं। सो अभी जींद के फैसले से हम पता चलेगा कि भाई कांग्रेस के भीतर क्या हो रहा है, कांग्रेस की ताकत अभी कितनी बची है। अभी एक अशोक तंवर को उन्होंने बहुत आगे रखने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी बहुत कामयाब नहीं हुए। तो ये लगभग तीन गुटों में बटी हुई है कांग्रेस, और वो बड़े गंभीर हैं मतभेद उनके, वो आसानी से। लेकिन क्या अग्निहोत्री जी, हरियाणा में BJP में सब कुछ ठीक है, तब जबकि राज्य में खट्टर जी अचानक से एक नाम आता है और मुख्यमंत्री बन जाते हैं? सब कुछ कहीं भी ठीक नहीं होता, लेकिन हमको देखना पड़ता है कि तुलनात्मक रूप से कौन बेहतर स्थिति में है, कुल मिलाकर यही है। देखिए हरियाणा में कांग्रेस हमेशा गुटों में बटी रही है, भजन लाल जी बंसीलाल के जमाने में भी गुट थे जी, और उसके बाद जब भूपेंद्र हुड्डा आए तो हुड्डा का गुट, शैलजा कुमारी शैलजा का गुट, किरण चौधरी, ये सब गुट हरियाणा में लगातार बने रहे, कोई पहली बार वहाँ गुट नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस का जो सबसे बड़ा जनाधार था वो गैर जाट वोट थे, जाट वोट चौटाला जी की पार्टी के साथ है, देवीलाल जी के जमाने से, तो जाट बनाम गैर जाट जब होता था तो भजनलाल के जमाने से ही कांग्रेस उसको लेती थी।
हुड्डा को जब मुख्यमंत्री बनाया 2004 में कांग्रेस पार्टी ने, तो जाटों का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ आया, और 10 साल तक हरियाणा में जो हुकूमत रही कांग्रेस की, उससे गैर जाट कुछ नाराज भी हुए। उसका फायदा बीजेपी को मिला 2014 में, और गैर जाटों का पूरा समर्थन बीजेपी को मिला, और जाट आंदोलन जो हुआ था उसमें भी गैर जाटों की गोलबंदी भाजपा के पक्ष में हुई थी। लेकिन खट्टर सरकार का जो जिस तरह का वो है कामकाज, उसको लेके जो नाराजगी है कांग्रेस की, दुविधा ये है कि जाटों को भी संभाले और गैर जाटों को भी संभाले। अभी एक बात बता दीजिए, अभी जिंद की बात कर रही थी प्रियंका जी, मैं जानता हूँ प्रियंका जी आप इस बात को सुन रही होंगी, लेकिन दबी छिपी जबान में तो यही कहा जा रहा है कि मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला को फिक्स कर दिया गया जींद के उपचुनाव में खड़ा करके, क्या ये बात सही नहीं है विनोद जी? नहीं, मुझे लगता है कि फिक्स करने वाली बात भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन शायद जींद का चुनाव जो कि लोकसभा चुनाव से बिल्कुल पहले हो रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी किसी कमजोर उम्मीदवार को वहां भेजकर, इसीलिए रणदीप सुरजेवाला जो विधायक हैं उनको भेजा गया ताकि किसी न किसी तरह ये सीट निकाली जाए, जिससे कि एक संदेश जाए। अभी मेयर के चुनाव हार चुकी है कांग्रेस, तो जींद का चुनाव अगर कांग्रेस पार्टी हारती है तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में एक मैसेज गलत जाएगा संदेश, इसीलिए रणदीप सुरजेवाला को भेजा गया है। और राहुल गांधी की नीति देखिए, वो हर नेता को लड़ने को भेज रहे हैं, उन्होंने तीनों राज्यों में भी वसुंधरा के खिलाफ, मानवेंद्र को, अरुण यादव को, शिवराज के खिलाफ और करुणा शुक्ला को, अब वो जो पहले आर्म चेयर पॉलिटिक्स जो होती थी दिल्ली में बैठ करके, वो उससे थोड़ा सा पार्टी को। प्रियंका जी आप कुछ कहना चाह रही थी, मैं जानता हूं आप कुछ ना कुछ इसमें जरूर टिप्पणी करेंगी। नहीं नहीं, मैं बस हमसे आपसे ये कहना चाह रही थी, क्योंकि जींद का चुनाव बहुत ही अहम चुनाव है और वहां पे सारे सारे नेता जो हैं, बड़े नेता जो हैं हरियाणा के, सबने विश्वास श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला पे जताया है। और अगर आपके रिपोर्टर वहां पर हैं, अगर वो जींद कवर कर रही होंगी तो देख रही होंगी कि उनके पहुंचने के बाद जिस तरीके का प्रभाव बनकर आ रहा है, तो आप कहीं भी ये नहीं कह सकते हैं कि उनको फिक्स किया है। फिक्स बस ये किया है कि हमें ये चुनाव जीतना है और जो हमारे बेस्ट कैंडिडेट हैं उनको हमने सामने रखा है। शहनवाज हुसैन साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डबल एमएलए बनकर वापस शहनवाज हुसैन साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और एक सवाल मेरा आपसे कि जब आप हरियाणा में बढ़त बना रहे थे 2014 में और उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी, तब वो करप्शन के खिलाफ था, इस वक्त क्या आपको लगता है कि महंगाई, रोजगार या भ्रष्टाचार अभी भी एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए? देखिए, जो इस सवाल का भी मैं जवाब देता हूं, पहली बात तो यह है कि पहली बार कोई ऐसा चुनाव मैंने देखा है, शायद इसकी कोई मिसाल होगी, जो कि विधायक विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहा। रणदीप सुरजेवाला पिछली बार भी जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने थे खट्टर साहब से पहले, तब रणदीप सुरजेवाला जी के भी नाम की चर्चा थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो शायद ये संदेश है कि हुड्डा साहब जो हमारे पड़ोसी हैं, वो उनसे नेतृत्व लेके रणदीप सुरजेवाला साहब को दिया जा रहा है जी। लेकिन मेरी जो खबर है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जींद का चुनाव जीत रही है, और पहले प्रियंका जी ने स्वीकार किया कि इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था, इसलिए कि एमएलए को ही, विधायक को ही फिर से विधायक बनाने के लिए वहाँ पर उम्मीदवार इन्होंने बनाया है, क्योंकि बीजेपी की स्थिति मजबूत थी तभी तो सुरजेवाला साहब चर्चा नहीं कर रहे थे। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको, मुझे लगता है उनको सुरजेवाला साहब को फिक्स करने के लिए चहल थी, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुलदीप बिश्नोई लगे हुए जी, कांग्रेस का जो मतभेद है जी वो इसी चुनाव में आपको नहीं, तो खट्टर साहब के बारे में जरा कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने कहा खट्टर साहब बेहतरीन सरकार चला रहे हैं, साफ सुथरी सरकार हरियाणा में चल रही है। अच्छा चलिए, खट्टर साहब के बारे में, खट्टर साहब के नेतृत्व में हरियाणा तरक्की कर रहा है, ये आंकड़ा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खट्टर साहब की सरकार से हमारे ओपिनियन पोल में कितनी हरियाणा की जनता संतुष्ट है, जरा ये आपके लिए समझना आवश्यक है। 49% जनता हरियाणा की कहती है कि खट्टर सरकार से वो नाखुश है, सिर्फ 36% जनता हरियाणा की खट्टर सरकार से खुश है। और जब आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में चर्चा करें तो वहां पर भी स्थिति यही हो जाती है, 44% जनता मानती है कि वो मोदी सरकार से खुश नहीं है, 42% खुश है ऐसा कहती है। तो अब आप समझ जाइए कि स्थिति वहां क्या होने वाली है। लेकिन आइए जरा इससे आगे बढ़कर, बिल्कुल इन तमाम नतीजों और इन सवालों के बीच में जो बुनियादी सवाल है वो ये कि 2019 का बड़ा चेहरा कौन होगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? इसी को लेकर दिखाते हैं आपको मोदी राहुल ट्रैकर।
मोदी राहुल ट्रैकर हम आपको हर हफ्ते लेकर आते हैं तमाम राज्यों में जहां हम ओपिनियन पोल कर रहे हैं, जहां सर्वे कर रहे हैं, वहां लोगों से हम पूछते हैं। दो प्रमुख उम्मीदवार प्रधानमंत्री की दौड़ में, ऐसे तो बहुत सारे उम्मीदवार हो सकते हैं और शायद इन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी सामने आ सकता है, ये परिस्थितियां निर्मित कर सकती हैं, लेकिन दो प्रमुख उम्मीदवार, दो प्रमुख चेहरे, इसमें कौन कहां और कैसे खड़ा है, आइए जरा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 49% लोग पसंद करते हैं, जबकि राहुल गांधी को 19% लोग पसंद करते हैं। दरअसल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता काफी ज्यादा है और यहां पर राहुल गांधी को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। अब जरा हम हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में जो जनता की पसंद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 39% की पसंद है और राहुल गांधी 34% की पसंद है हरियाणा में। अगर हम पहले के आंकड़े भी आपके सामने प्रस्तुत करें, यानी कि जम्मू कश्मीर और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश और पंजाब के, तो कुल मिलाकर स्थिति यह बनती दिखाई देती है। जम्मू कश्मीर में 31% और 37% ये लोगों की पसंद मोदी और राहुल के बीच में है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी राहुल गांधी 30% से ज्यादा लोगों की पसंद बने हुए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी, राहुल गांधी का ग्राफ अगर 2014 के आधार पर देखा जाए तो निरंतर बढ़ रहा है, दिल्ली एक अपवाद जरूर है। ऐसा क्यों है कि दिल्ली में राहुल गांधी बहुत लोगों के पसंदीदा नहीं हो पा रहे हैं? दिल्ली में कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं देखिए, गड़बड़ तो कुछ नहीं है। जिस तरीके से देश में, हमारे देश में जो इलेक्शन होता है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं होता है। इलेक्शन जो होता है मुद्दों के आधार पे होता है और जो मुद्दे सही मायने में देश की जनता के सामने रख सकते हैं वो कामयाब होंगे। अब यहाँ पर दो झगड़े हैं, दो लाइन ऑफ थॉट्स हैं। एक तरफ है जिन्होंने बहुत सारे वादे किए और फिर उसको जुमला बता दिया, एक है जो वादा कर रहे हैं और वादा निभा रहे हैं वो सारे राज्यों में जहां पर कांग्रेस पार्टी चुनकर आई है, और वो मुकाबला सीधा सीधा यही होने वाला है। कांग्रेस पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है और जो भी उनके साथ अलायंस जुड़ेंगे वो लड़ाई होगी। तो हम मानते हैं कि अफकोर्स 2014 के बाद जो पॉपुलैरिटी ग्राफ था मोदी जी का, हर चीज को जुमला बताने के बाद, हर चीज में विफल होने के बाद वो गिरेगा और चुनाव आते आते जब वोट पड़ेंगे तो उनकी हार भी निश्चित है। ये हम पूरी पूरी भरोसे के साथ, पूरे भरोसे के साथ बोल रही हूं और पूरे सक्षम तरीके से बोल रही हूं। शहनवाज हुसैन साहब, शायद आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, कह रही हूं 2019 में इनकी सरकार नहीं बनने वाली है। जी जी जी, देखिए दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है और जो दिल्ली जीतता है वो देश जीतता है। आपने पिछली बार देखा कि दिल्ली में विधानसभा में हमें सफलता नहीं मिली, कि नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली के लोग बहुत चाहते हैं, 7 सीट दी थी और कांग्रेस 0 आई थी, आम आदमी पार्टी भी 0 आई थी जी। अब दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं कि दिल्ली में कितनी लोकप्रियता प्रधानमंत्री की है जी। ये दिल्ली को ओपिनियन पोल मान लीजिए देश का, क्योंकि पूरे देश के लोग दिल्ली में रहते हैं, हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग, साउथ के लोग। अगर दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता 40% साहब, ये सुविधा अनुसार की 19% मानक तो नहीं तय कर रहे हैं, फिर आप समझ जाइए देश क्या समझ लेते हैं। बेहतर देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चढ़ प्रधानमंत्री बनाने वाला। प्रियंका जी की मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है मधुरेंद्र, फिर एक बार मोदी साहब वाकई में देश का मूड रिप्रेजेंट कर रही है या देश अपना मूड खुद प्रेजेंट कर रहा है? मधुरेंद्र देखिये, मिनी इंडिया तो जाहिर तौर पर दिल्ली है और ऐसे में चूंकि तमाम समझ के लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ का जो मतदाता है उसकी अपने सोच की क्षमता जाहिर तौर पर कहीं ज्यादा है, तो उसका अपना परसेप्शन जो है उस परसेप्शन को एक देश का हम मूड जरूर समझ सकते हैं, लेकिन उसमें एक जरूर ये बात कहनी होगी कि अरविंद केजरीवाल भी अपनी एक छवि यहाँ रहते हैं और उनकी छवि के हिसाब से भी एक वोटर का मूड है जो उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो वो हो सकता है कि इन दोनों के बीच अपना एक वोट को अरविंद केजरीवाल काट रहे हैं, ये कह सकते हैं बिल्कुल जी। विनीता, जो स्थिति बन रही है उसमें हरियाणा में राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है, क्या यह राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी? अगर बात करें कि ग्राउंड रिपोर्ट की, तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं लोगों से मुलाकात कर रही थी तो वहां पर इतनी ज्यादा लोकप्रियता उनकी चर्चा में नहीं थी। हाँ, ये जरूर है कि अर्बन जो इलाके हैं वहां पर हो सकती है, लेकिन अगर आप जाते हैं गांव देहात में तो वहां इतनी चर्चा का ये विषय नहीं था, क्योंकि एक बड़ी बात ये है कि जब आप रूरल वोटर की बात करते हैं तो उनको इन्फ्लुएंस करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और कुछ इसी तरह की स्थिति दिखाई दे रही थी। ज्यादातर लोग कांग्रेस के नाम पर जरूर बात करते हैं लेकिन अभी उनकी सोच और पहुंच जो है राहुल तक छू नहीं पा रही थी, ऐसा नजर आ रहा था। नीरजा जी, आपकी छोटी राय प्लीज, मेरे पास वक्त कम है इसलिए आप सबसे मैं आग्रह करता हूं संक्षेप में जवाब दें। नीरजा जी प्लीज।
देखिए मोटा मोटा अभी भी नरेंद्र मोदी की छवि बरकरार है बहुत सेक्शंस में, लेकिन वो छवि नहीं है जो 2014 में थी, ये आपके सर्वे भी बता रहे हैं। राहुल गांधी की छवि इम्प्रूव कर रही है, हर जगह इम्प्रूव कर रही है, जिस तरह से लोग पहले रबिश करते थे उस तरह से नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही कह रही है विनीता, जहाँ जहाँ वोट पड़ रहा है कांग्रेस को वो ब्रांड कांग्रेस को ज्यादा पड़ रहा है बनिस्पत राहुल गांधी को खुद को चेहरे के तौर पर स्थापित करने के लिए भी थोड़ा संघर्ष और करना होगा। निश्चित रूप से ये बात सही है, लेकिन अगर ट्रेंड देखें आप तो मोदी जी की अभी आज भी और राहुल जी से आगे हैं अपनी लोकप्रियता में, लेकिन वो उतार पर उनका जो है ग्राफ जो सर्वे जो बता रहे हैं, और राहुल का जो है 2014 का अगर आप देखें और आज देखें तो उसमें काफी बढ़ोतरी है। तो कहीं ना कहीं ये एक स्थिति है, लेकिन अभी भी राहुल गांधी को अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए अभी और मेहनत करनी पड़ेगी और अभी लोगों तक जाना होगा, जो विनीता भी कह रही है। एक बात दिल्ली की मैं संक्षेप में कह दूं कि दिल्ली की जनता, ये सही है कि देश भर के लोग आते हैं, लेकिन देश के तमाम यथार्थ से दिल्ली के लोग कटे भी रहते हैं, ये भी एक सच्चाई है। वो सोशल मीडिया पर ज्यादा भरोसा करते हैं, वो मीडिया पर ज्यादा भरोसा करते हैं। बिहार का रहने वाला बिहार में क्या हो रहा है या उड़ीसा का रहने वाला उड़ीसा में क्या हो रहा है, उससे कई बार कट भी जाता है। बिल्कुल राहुल जी, आखिरी आपकी टिप्पणी, क्या अभी राहुल गांधी को कांग्रेस के ब्रांड से अपने आप को ऊपर करने के लिए और मेहनत की आवश्यकता है? निश्चित रूप से मेहनत करने की जरूरत उनको है ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपनी एक ज्यादा स्पष्टतर और ज्यादा परिपक्व छवि के बनाने की उनको जरूरत है। छवि में उनके बहुत सुधार हुआ है, मैं कहूँगा नाटकीय सुधार हुआ है पिछले 2-3 साल में, चमत्कारी भी कह सकते हैं आप, तो बहुत प्रमुख सुधार हुआ है, बड़ा है सुधार हुआ है, लेकिन अभी उनको काफ़ी लंबी दूरी तय करनी है नरेंद्र मोदी के बराबर आने में, और इसमें कुछ उनके हाथ में है, कुछ उनके हाथ में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इस समय जो दिख रहा है वो कि कांग्रेस एक ब्रांड के रूप में, पार्टी के रूप में, और राहुल गांधी दोनों की छवि बेहतर हो रही है। आप 49 और 19 की तुलना कर रहे हैं अभी तक सिर्फ? नहीं, मैं इसलिए तुलना कर रहा हूं कि आपके सर्वे को इज्जत दे रहा हूं। आप ही बोल रहे हैं कि 49 और 19 है, और आप पूरे लोग कहते हैं कि दिल्ली में पूरे देश के लोग रहते हैं, चलिए तो उसी को पैमाना मान ले। ये सही है, राहुल गांधी की ब्रांडिंग बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं, हरियाणा में 39 और 34 का अंतर है नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले, आज कोई नेता नहीं है। शनवाद भाई, आपने 2015 में ये बात नहीं कही थी। आपसे क्षमा चाहता हूँ, हिंदुस्तान का दिल माना है ना, मुझे इस अपने शो को यही खत्म करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि देश का मिजाज भी बदल रहा है, लेकिन कितना बदल रहा है ये हर हफ्ते हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। कल फिर से यानी कि सोमवार से फिर एक नए राज्य पर चलेंगे, बताएंगे आपको कि क्या उस राज्य की जनता सोच रही है, और अगले शुक्रवार को फिर अपने ओपिनियन पोल के साथ आएंगे, बताएंगे आपको कि उस राज्य में क्या स्थिति है बीजेपी कांग्रेस और अन्य पार्टी की।